हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजवीर फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग किसे कहते हैं और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पीएचपी में। तो चलिए गो थ्रू होते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहले आता है कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है। अर्ली बाइंडिंग जो होती है वो असाइन करती है ऑब्जेक्ट टू अ वेरिएबल डेक्लरेशन टू अ टू बी ए परफॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टाइप। कि अगर हम चाहते हैं कि अर्ली बाइंडिंग में असाइन करें ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्ली बाइंड को यूज करते हैं। अर्ली बाइंडिंग में बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो और स्टेटिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो अर्ली बाइंडिंग होती है उसमें जो मेथड्स और फंक्शंस और प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिटेक्ट और चेक्ड होती है ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। इसमें जो मेथड्स फंक्शंस प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी चेक होती हैं ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। इसे कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। एंड परफॉर्म द अदर ऑप्टिमाइजेशन बिफोर एन एप्लीकेशन एग्जीक्यूट। अदर परफॉर्म तब होते हैं जब वो ये एग्जीक्यूट होती रहती है हमारी क्लास या फंक्शन। एंड देन बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अर्ली बाइंडिंग, अगर हम अर्ली बाइंडिंग को यूज करते हैं तो उसकी बिगेस्ट जो होती है एडवांटेज ये होती है कि वो परफॉर्म करती है और परफॉर्मेंस होती है उसकी एट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। उसकी जो डेवलपमेंट है वो आगे आगे चलती है। कंपाइल टाइम होती है क्योंकि हमें कोई एरर आती है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें ये एरर है, ये ऐसे होगा जैसे होगा, इसमें क्या फंक्शन ओवरलोड चल रहा है या क्या फंक्शन ने क्या परफॉर्म किया है। तो ये था हमारा कंसेप्ट की अर्ली बाइंडिंग, इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में क्या होता है, बाय कॉन्टैक्ट रस्ट। इन लेट बाइंडिंग फंक्शन जो होता है उसमें फंक्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सभी को हम डिटेक्ट और चेक्ट करते हैं ओनली द रन टाइम। इन सबको फंक्शन मैथड वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज को हम डिटेक्ट करते हैं और चेक करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रन टाइम। इसे रन टाइम बाइंडिंग कहते हैं, डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। और जो इसमें मेन आता है फंक्शन ओवरराइडिंग आता है। इट इंप्लाइज दैट द कंपाइलर डज नॉट नाउ दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक्चुअल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और विच मेथड्स और प्रॉपर्टीज एन ऑब्जेक्ट कंटेन अंटिल रन टाइम। इसमें ये बताता है कंपाइलर तो कुछ इसमें यूज नहीं होता क्योंकि ये रन टाइम है, तो रन टाइम में जो एरर्स होंगी वो हमें रन टाइम बताएगा ही। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। इसमें कंपाइल टाइम का कोई इंटरफेस नहीं होता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लेट बाइंडिंग, तो इसकी बिगेस्ट एडवांटेज क्या होती है कि जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी होल्ड और रेफरेंस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट पे हम रेफरेंस को पास करके करते हैं। बट लेक मैनी ऑफ ऑर्डर पे अर्ली बाइंडिंग इज मोर देन। कि अगर हम अर्ली बाइंडिंग को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ये तो होती है रन टाइम, कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो उसे रन टाइम वो शो कर देगा कि यहाँ पे इसकी एरर है। तो जो लेट बाइंडिंग होती है उसमें हम ओवर राइट करते हैं, जैसे ओवर राइट किए किसी मैथड को, वो कंसेप्ट आता है लेट बाइंडिंग पे। और जो हमारी अर्ली बाइंडिंग होती है उसमें आता है कि हम किसी मैथड को कैसे ओवरलोड करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग आता है हमारा स्टैटिक पे और जो ओवरराइडिंग होता है वो आता है हमारा लेट बाइंडिंग पे। तो इसी में आता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि कंपाइल टाइम होता है, तो हमारा कंपाइल टाइम होता है, अर्ली बाइंडिंग होता है, व्हाइल ओवरराइडिंग हैपन एज अ रन टाइम लेट बाइंडिंग से। इन मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड कैन टू इट्स डिफाइन डेफिनेशन हैज हैपेंस एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक बाइंडिंग होती है ये मेथड ओवरलोडिंग में। व्हाइल इन मेथड ओवरराइडिंग राइडिंग में क्या होता है, मेथड ऑफ कॉल टू डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन को कॉल करते हैं, हैपेंस एट रन टाइम। डायनामिक बाइंडिंग मीन्स कि जो हमारी ओवरराइडिंग होती है वो परफॉर्म होती है डायनामिकली मीन्स हमारी रन टाइम, और जो हमारा ओवरलोडिंग होता है वो कंपाइल टाइम होता है, स्टैटिक बाइंडिंग होता है और अर्ली बाइंडिंग होता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ये देखिए, पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोड कैसे होता है।
मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले एक क्लास ली है, उसमें फंक्शन लिया है, उस फंक्शन में क्या लिया है कि इनसाइड द बेस क्लास है। अगर यहाँ पे मैं इनसाइड बेस क्लास लिख रही हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये चाइल्ड क्लास की बॉडी है, इसने एक्सटेंड किया है फीचर्स ए की। यहाँ पे एक फंक्शन लिया है सेम जो हमारी ए क्लास का है, नेम सेम है बट पैरामीटर लिस्ट्स आर डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन ओवरलोडिंग, इसे ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बोलते हैं। और अब अगर हमने एक और क्लास ली है सी, उसमें सिंपल बॉडी है, उसे सिर्फ कॉल किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बी क्लास का क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट तो मैंने बी क्लास का क्रिएट किया ही है उस, बट हमने यहाँ पे क्या किया था, दो पैरामीटर, दो हमने वेरिएबल्स लिए थे, उन वेरिएबल्स को वैल्यू भी पास करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी उस वैल्यूज को पास कर रही हूँ। देन ऑब्जेक्ट लिया है सी क्लास का, उसे भी हमने क्या किया है थोड़ा उसे कॉल किया, प्रिंट किया। तो चलिए इसकी आउटपुट देखते हैं, यहाँ सेव करते हैं। लोकल होस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे क्या बात है मेरा, ओके ठीक है, जाते हैं यहाँ पे हैं, देखिए उसने ऑडिशन की है इनसाइड अ पेस क्लास किया है। यहाँ पे देखा हमने मेथड को ओवरलोड किया है, यहाँ पे मेथड को ओवरलोड किया है, सेम नेम है दोनों का बट पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, उनको वैल्यूज पास किए हैं, 20 + 20 उसने क्या किया है 40, यहाँ पे मैं लेती हूँ 20 and 50, तो वो देना चाहिए 70, तो उसको ने दी है 70। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि फंक्शन ओवरलोड कैसे होता है स्टैटिक पे। अगेन हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि फंक्शन ओवरराइड कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लास ली है कार की, उसमें क्या किया है, एक फंक्शन दिया है स्टैटिक, उस स्टैटिक फंक्शन को सेम मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है और यहाँ पे भी हमने कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो मीन्स ये ओवरराइड हो रहा है हमारा फंक्शन, मेन क्लास से डायरेक्ट क्लास में ओवरराइड हो रहा है। तो ये कंसेप्ट आता है हमारा लेट पार्किंग में। यहाँ पे सिंपल हमने स्कोप रेजुलेशन लगाया है, कॉल की है शो द फंक्शन को जो हमारी सब क्लास का फंक्शन है, वो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे इंप्लीमेंट किया है। तो चलिए इसकी भी आउटपुट देखते हैं। उसका नेम था, मेथड ओवरराइडिंग का है, तो पहले उसने क्या किया है, शो किया है हमारे मेथड को कार को, जो फर्स्ट वाली क्लास थी हमारी, इसमें देखिए जो हमारी फर्स्ट क्लास है कार, तो उसके मेथड को कॉल किया, देन उसने इसको किया है, ये देखिए पहले उसने उसको देन इसको किया, और कार के लॉग मेथड को यूज किया है, देन ड्राइव क्लास के मेथड को यूज किया है। यहाँ पे उसने कॉल किया है, कॉल कहाँ किया है, पहले उसने पेरेंट क्लास को किया है, देन मीन्स हमने ओवरराइड किया है यहाँ पे मेथड को, मेथड को क्या किया है यहाँ पे, सेम मेथड को यूज किया है, ओवरराइड किया है यहाँ पे यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड से, स्टैटिक से हम ओवरराइड करते हैं इसको, स्टैटिक से हमने क्या किया है, ओवरराइड किया है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट कि हम अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं PHP में। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल दिस EME टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।